हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? आज मैं आप लोग के सामने एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, एंड वो है ये है एल्प्स गुडनेस का हाइलुरोनिक एसिड साइक्लोनिक हाइड्रेटिंग सीरम फॉर ड्राई स्किन। ये ड्राई स्किन के लिए सीरम है, और इसके बारे में मैंने आपसे बहुत पहले बोला था कि इसके बारे में बहुत जल्द मैं वीडियो लाने वाली हूँ, तो वीडियो देर हो गया है। purple.com से मैंने इसको मंगवाया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं। सो गाइस, ये है एल्फ्स गुडनेस का एलोवेरा हाइलुरोनिक एसिड सेक्लुएन हाइड्रेटिंग सीरम फॉर ड्राई स्किन। ये ड्राई स्किन के लिए, और इसकी हम प्राइस की हम बात कर लें तो इसकी प्राइस है 325। तो इसको मैंने purple.com से मैंने इसको परचेस किया। थोड़ा ये कॉस्टली है, बट पर्पल में आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा, पर्पल पर डिस्काउंट चलता रहता है। इसके एमएफडी डेट जो है वो 11/21 है, और यूज बिफोर जो है 10/23 है, यानी कि आपको 2 साल की सेल्फ राइन मिल जाएगी। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि इसकी पैकेजिंग जो है कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड टाइप की पैकेजिंग में की गई है, और पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए, इसे और स्किन वाले नहीं लगा सकते हैं, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, एंड सिलिकॉन भी इसमें फ्री है। तो यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, क्यूरिटी फ्री है, वैगन भी है, मिनरल ऑयल भी फ्री है इसमें। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यूजेस भी दिया होगा कि कैसे इसको यूज करना है, एंड यहाँ पे कजन भी दिया है कि मतलब अगर आपको थोड़ा सा एलर्जी हो तो यहाँ पे आप पहले टेस्ट कर लें, उसके बाद ही आप यूज करें। फॉर एक्सटर्नली यूज ओनली, तो इसको सिर्फ एक्सटर्नल के लिए यूज किया। तो आइए इसको हम ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कलर की शीशी में आती है, एंड ये एक आपको ड्रॉप टाइप का मिल जाएगा, और ये जो शीशी है वो कांच की है, प्लास्टिक की नहीं है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। सीरम है ये एकदम व्हाइट कलर में है, तो इसकी जो टेक्सचर की हम बात करें एकदम लाइट सा है। फ्रेग्रेंस है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसको ऐसे ही लगाकर आपको 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, जब तक आपके स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस सीरम को मैंने परचेस तो कर लिया है, लेकिन आपको एल्फ्स गुडनेस के सीरम के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं एल्फ्स गुडनेस का मैं टोनर अप्लाई की, देन सीरम मैं अप्लाई की, तो मुझे छोटे छोटे तुरंत ही रैशेज पड़ने लगे, और ऐसा लग रहा था मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जलने लगी है, तो इस टाइप का होने लगा था। तो प्लीज़ आप इस सीरम को बिल्कुल मत परचेस करिएगा, ये ड्राई स्किन के लिए कहने भर का है। मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है और इसे मैं परचेस की हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको पूरा इसका मतलब बता दी हूँ। और आप लोग भी सीरम चाहते होंगे कि आपके सामने बहुत से अच्छे अच्छे सीरम आए, आप लोग अपने फेस पे अप्लाई कर सीरम लगाना चाहिए, लेकिन जो इसके बारे में जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। मेरी स्किन एकदम बर्बाद हो गई थी इसको लगाने से, मैं सोची कि चलो भाई ऐसे ही निकल गया होगा, लेकिन जब मैं इसको 3-4 दिन तक कंटिन्यू मैं इसको यूज की हूँ सुबह शाम, तो ऐसा मेरा फेस बिगड़ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एकदम छोटे छोटे आने, एकदम रैशेज पड़ने लगे, मैं सोच नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोग के सामने अगर एल्फ्स गुडनेस का सीरम ले रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देख लें, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आप लोग चाहते हैं सीरम लेना तो प्लीज़ इस सीरम को मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये सीरम नहीं पसंद है। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप इसको ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बट मेरी स्किन पे सूट नहीं किया। अगर हो सकता है कि आपकी स्किन पे सूट कर जाए, बट मेरी स्किन पे सूट नहीं किया है, तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता रही हूँ। मुझे बहुत ही बेकार लगा ये जो सीरम है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, टेक्स्चर भी बहुत अच्छा, अच्छे से आपके स्किन पे एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा स्टिकी स्टिकी है, एकदम से स्टिकी स्टिकी नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा स्टिकी स्टिकी है, मतलब आपकी स्किन जो है हाइड्रेट भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि हाइड्रेट नहीं रहेगी। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दी हूँ कि ये क्या कैसा है एल्फ्स गुडनेस का जो सीरम है, टोनर है, हर चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं भी सोची कि इसको परचेस करूँ और देखूँ कि मतलब कैसा है। मैंने इसको सिर्फ हफ्ते भर ही मैंने इसको यूज किया है, तो सोची कि आप लोग के सामने मैं इसका रिव्यू लेकर आऊँ, तो मुझे वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गया, बट मैं आज इस आप लोग के सामने ऑनेस्टली रिव्यू लेकर आई हूँ ताकि आप लोग देखें। थोड़ा कॉस्टली है, तो अगर आप लोग के स्किन के ऊपर सूट कर जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग इसको बिल्कुल परचेज़ मत करें। सो गाइस, ये था मेरा वीडियो, तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।